सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराया जा रहा है, लेकिन राहत सामग्री के कारण लोग परेशान भी हैं, किसी को चोट भी लग जा रहा है। एक रिक्शा वाले अपने रो धो करके बता रहा था कि राहत सामग्री जो ऊपर से गिरा इतना जोर से गिरा कि हमारा सिर पे चोट लगा, बहुत तेजी से उसका सिर फट गया था। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तरीका कोई नहीं है, यहाँ पर कहीं बहुत सारे व्यवस्था हो सकते हैं, जैसे लोगों को लाइन में खड़ा करा करके और राहत सामग्री दे दिया जाए। अब एक बार गिरा दिया जाए तो कहीं ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है, इसे तत्काल बंद करा करके। और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है जो कि यहाँ पर राहत सामग्री बांट रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, उनके माध्यम से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो ठीक ठाक सुरक्षित पहुंच सके। और यहाँ पहुंचाया जा सकता है क्योंकि पानी कहीं कमर से ज़्यादा कहीं कहीं है, तो वहाँ उस जगहों पर बोट को ले जाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और आप ये देखिए काम करने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा ललिता कुमारी। ललिता कुमारी, कितने दिन से काम नहीं कर रहे हैं? 4-5 दिन हो गया हम तो काम करना। ये ऊपर से गिरा रहे हैं, इससे कुछ आपको लाभ है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ लाभ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? पानी की व्यवस्था कम करे तो हम तो काम धंधा करे जाएंगे तब ना पानी कम हो जाए। लेकिन अभी राहत कैसे बांटा जाए? अभी तो आप बता रही थी कुछ राहत बांटे जाए, जैसे मेरा का नाम है कि जब किसी को इतना सामान आ रहा है ना, सरकार घर से इतना सामान आ रहा है ना, बहुत सारा आ रहा है, तो एक लाइन से बांटा जाएगा कि सबको मिलना चाहिए, सब गरीब हो अमीर हो सबको मिलना चाहिए। सभी दिक्कत में, हाँ सब दिक्कत में, अमीर भी अटका हुआ है, गरीब भी अटका हुआ है, और हमसे भी 12 से 15 हजार आदमी है, उसमें से 5-5 को 20 को बोरा गिराया जा रहा है, झोला गिराया जा रहा है, 20 झोला में 12-14 हजार आदमी खाएगा क्या? आप इस चीज को पहले देखिए, मतलब कहना है कि पानी निकालने की व्यवस्था, ये पानी प्राइमरी तो वही देना पड़ेगा आपको, वाटर पानी को निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही कोई उपाय है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। रोड नंबर ये आपको राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर में अभी आप पानी देख सकते हैं, पानी का लेवल किस हद तक पहुंचा हुआ है। अगर आप पे और अंदरी इलाके में अगर इन तो करेंगे हुआ अभी। जी थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप रोड नंबर 3 में या फिर रोड नंबर 8 में इन करेंगे तो वहाँ का जो पानी का स्तर है वो गर्दन तक है। जी गर्दन तक पानी वहाँ पहुँच चुका है। हमारी जो राहत टीम है वो हर घर में जा करके पानी और बिस्किट की व्यवस्था करवा रही है। ठीक है, और मेरा नाम मोहम्मद कमर तौहीद हुआ और मैं यहाँ ये इस राजेंद्र नगर से इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और कल से NDRF की टीम को बोला था मैं काम करने के लिए, वो NDRF की टीम ने कोई इधर का किसी तरह का स्टीमर वो अंदर नहीं जा रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, NDRF की टीम सिर्फ घूम रही है, वो कैमरा लेके खाली घूमती रहती है और कोई काम नहीं कर रही है, राहत सामग्री वो नहीं पहुंचा रही है, कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचा रही है। कैसे बनाए माने ये बनाए हम लोग, 5 चौकी के रख के बनवाए हैं घर कर चले बहुत बनाकर। सर एक मिनट सर, हमारा एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिस तरह से चालान काटने के लिए सड़कों पर, ठीक है, 10 पुलिस और 20 पुलिस को लगा दिया जाता था, ठीक है, आज एक भी रिलीफ के लिए, एक भी पुलिस नजर नहीं आ रही है, ना राहत के लिए पहुंचाने के लिए आ रही है नजर, सारे प्रशासन लोगों तक कहां तक गई नहीं पता। इन लोगों का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, पूरी तरह बहुत अच्छा चलिए।